डायरेक्ट लड़ाई में, डायरेक्ट लड़ाई में महागठबंधन का पर्दा इतना भारी है कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। उसमें इस तरह से मतदाताओं का समीकरण है, उसके आधार पर महागठबंधन के सामने कोई चैलेंज नहीं है। देखना चाहिए कि क्यों हम वोट कर रहे हैं, और वोट करने के लिए डेवलपमेंट का काम है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, समाज के सभी वर्ग को लेकर के नीतीश जी चल रहे हैं। हाँ, तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका हक है, स्वतंत्रता है उसकी। उम्मीदवार कहीं उतारना चाहे तो उम्मीदवार उतारेगी, बाकी के लोगों ने भी उम्मीदवार उतारा है, लेकिन वहाँ लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ाई होगी ना। डायरेक्ट लड़ाई में महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं कोई कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोग अगर उम्मीदवार हो गए हैं इस मकसद से, जैसे आपने देखा गोपालगंज में AIM ने किस तरह से वोट 12,000 काटा, जिसका असर पड़ गया परिणाम पर। तो आम लोगों को सोचना है कि कौन जीतने हारने के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए, अंतिम डिसीजन तो आम लोगों का होता है। ये मुश्किलें बढ़ी, स्वाभाविक रूप से थोड़ा तो गोपालगंज में दिखा, लेकिन हर जगह उस रूप में मुश्किल होगी ऐसा हम नहीं मानते। और कुरहन्नी में जिस तरह से मतदाताओं का समीकरण है, उसके आधार पर महागठबंधन के सामने कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक वोट हमारे पक्ष में हो, अधिक से अधिक मार्जिन हो, इस बात के लिए तो आम लोगों से हम अपील करेंगे ही कि सब लोग मिलकर किसी वोट कटवा के पक्ष में मत जाएं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग वोट करें। क्या तैयारी है सरकार का? नहीं, तैयारी जनता के बीच जाना है, लोगों के बीच जा करके लोगों से अपनी बात कहनी है, और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कहीं से हो रही है उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। स्वाभाविक रूप से जब लोगों के बीच कन्फ्यूजन कम से कम होगा तो महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। तो हमने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, स्वतंत्रता है ना, उसकी चुनाव लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। जो सर गोपालगंज में AIMIM के द्वारा वोट काटा गया, क्या लग रहा है मुकेश सहनी कुरहन्नी में यही काम करेंगे? देखिए, हम कोई अलग से स्पेसिफिक किसी पर नहीं कहेंगे, हम जनरल कहेंगे कि आम मतदाताओं को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए कि क्यों हम वोट कर रहे हैं, और वोट करने के लिए डेवलपमेंट का काम है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, समाज के सभी वर्ग को लेकर के नीतीश जी चल रहे हैं, तो उसके आधार पर लोगों को मतदान करना चाहिए। बाकी कोई पार्टी जा रही है तो जाएगी। प्रचार में जाएंगे? देखिए, चुनाव प्रचार में तो नीतीश जी जाते ही रहे हैं उपचुनाव में। अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें तबीयत नहीं ठीक थी उनकी, तो उस कारण से नहीं गए। उसके पहले के चुनाव में तो गए ही थे, कुशेश्वर स्थान, तारापुर, तो आवश्यकता अनुसार यहाँ भी जरूरत होगी तो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत। मुकेश सहनी सर बोल रहे कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से, भाजपा लड़ाई में नहीं। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो आप लोग देखिए, उसमें हमारा तो कहना है कि आम जनता से, हम किसी पोलिटिकल पार्टी को क्यों कहें।